एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी आइसक्रीम है, बनाना की आइसक्रीम। तो चलिए इसे देखते हैं और बनाते हैं कि कैसे बनानी है। गाइस देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना से बहुत यम्मी, बहुत ज्यादा टेस्टी हम बनाएंगे आइसक्रीम। ठीक है, आपने बनाना शेक पिया होगा, ढेर सारा आइसक्रीम भी, बनाना की आइसक्रीम भी खाई होगी, पर इस तरह से जिस तरह से हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल उस तरह से नहीं खाई होगी। ना दूध बनाने पकाने का झंझट है, ना कुछ, बिल्कुल हम गैस को हाथ तक नहीं लगाएंगे। आप देखिएगा, आपके सामने बनाएंगे। और देखिएगा गाइस, जैसे हम लाते हैं बनाना, कभी कभी ऐसे दब जाता है, बच्चे खाते नहीं है, ठीक है, इनमें, और या फिर बहुत ज्यादा पक गया हो, पुलपुला हो, जिसको कोई ना खाए, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस आइसक्रीम को। चलिए इसको, इसके हम छिलके को ऐसे अच्छे से निकाल देते हैं। ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये हमारा बनाना अधिक गल गया है यहाँ पर, तो ये बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, हमारे तो नहीं खाते बच्चे हैं। तो अब इनको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से टुकड़ों में कर लेंगे, ठीक है, इनके छिलके हटा देंगे। तो करते हैं, ये देखिए गाइस, हमने बनाना कट करके डाल लिया है। अब इसमें हम 2 स्पून शुगर ऐड करेंगे, पहले ही डाल देंगे, ठीक है, 2 स्पून। आप कम, अगर आप ना भी डालना चाहें तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बनाना हमारा वैसे भी बहुत ज्यादा मीठा होता है, और ये पक ज्यादा गया तो और भी मीठा हो गया। तो इसको चलिए बनाते हैं। तो इसको अब हम ब्लेंड करते हैं अच्छे से। ये देखिए गाइस, अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे 2 मिनट के लिए। एक बात और गाइस, इस समय कोरोना का फिर से कहर चलने लगा है, ठीक है, यूपी में भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो बहुत ज्यादा है, तो घर की बनी हुई हाइजीनिक ही चीजें खाएं। तो चलिए ब्लेंड करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने आपको स्किप नहीं किया, ये देखिए ब्लेंड हो गया अच्छे से। चलिए अब इसका टेक्सचर तो ये हो गया है ऐसा, ये देखिए इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा ग्रेट हो गया, थोड़ी बहुत ये रह गए टुकड़े, तो वो भी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम डालते हैं अपनी मलाई, ठीक है, इसमें ऐड करते हैं लगभग लगभग 1 कटोरी मलाई है, वही मलाई जो दूध की घर में बनी होती है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हमने ली हुई है। अब इसको भी इसमें ब्लेंड कर लेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने किया, और इसको अब हम देखेंगे इसका टेक्सचर कैसा हुआ हमारा। ये देखिए बिल्कुल स्मूथली, बहुत ज्यादा यम्मी। तो चलिए एक बात और गाइस, इसको व्रत में भी खा सकते हैं, इस वजह से देखिए नमक सब में ऐड किया जाता है, सब आइसक्रीम आप लोग खाते होंगे बाहर का, सब देखते होंगे। तो हम इसमें फलाहारी नमक यूज करेंगे, जिसको हम सेंधा नमक भी कहते हैं, बिल्कुल 1 पिंच। इससे हमारा इसमें नमक का टेस्ट नहीं आएगा, बस इसका स्वाद जो है वो निकल के आ जाएगा। तो इसको फिर से एक बार फेट लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस हो चुका है। तो अब इसको हम अपने करते हैं यूज। और एक बात होता नहीं है कुछ आइसक्रीम में कि हम 3 से 4 घंटे रखते हैं फ्रीजर में जमने के लिए, हाफ सेमी थिक जम जाए, उसके बाद में हम फिर से ब्लेंड करते हैं। इसमें ये भी झंझट है, सिर्फ 2 मिनट में बनके रेडी होगी। तो इसको निकालते हैं। ठीक है गाइज, आज हम इसमें जमाएंगे, ठीक है। जिसके पास मोल्ड वगैरह नहीं है तो वो क्या करे, ऐसे प्लास्टिक का बर्तन ले और ऐसा ले ले, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें नहीं आज जमाएंगे, आज जमाएंगे इसमें। और अगर ये भी ना हो, आपके पास स्टिक हो आइसक्रीम के स्टिक, तो इस तरह से कांच की ग्लास में भी जमा सकते हैं या फाइबर की ग्लास में भी जमा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें जमाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इसको हल्का सा धुल लिया है, धुलना बहुत जरूरी है, बताएंगे। अब इसको हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। गाइस इस तरह से हो गया है, ठीक है। तो इसको हम अब इसमें फ्रीजर में अच्छे से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे, ठीक है, ताकि ये सेमी थिक हो जाए, क्योंकि हमें इसको और डेकोरेट करना है। तो दिखाते हैं हमें और क्या करना है। पहले इसको हम रखते हैं 2 घंटे के लिए फ्रीजर में, रखना है। और फ्रीजर देखिए फुल कर दीजिएगा। देखिए गाइस लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, तो ये हमारा सेमी थिक हो गया है, ठीक है। और अब इसमें हम, ये देखिए एक बनाना हमने चॉप कर लिया है। अगर गीले बनाने हों आपके तो आप थोड़ा फ्रिज में रख दीजिए, तो वो चॉप टाइट हो जाएगा, उसको चॉप कर लीजिए। उसके बाद में हम उसको ऊपर से ऐसे गार्निश करेंगे, तो ऐसे भी डालेंगे।
ये देखिए गाइस, हमने सारा डेकोरेट कर दिया। देखिए गाइस, अल्मोनियम फाइल जो होती है और दूध की पन्नी सबके घर में नहीं होती है, तो आप ये पन्नी तो जनरली सबके घर में होती है, चीज सामान आता है उसमें, तो इसको हमें ऐसे रखना है, इसको ऐसे इसमें टच करते हुए बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जब हम टच करते हुए रखेंगे तो इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं जमेंगे। ये देखिए बिल्कुल टच हो गई है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। देखिए गाइस, बंद करने में ये खिंच सकती है ना, तो इसको हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड में, ठीक है। बस जाने दिए ये कि ये चीज ढकी रहे ऐसे, तो ये अंदर साइड में जब हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये हमारी बंद हो जाएगी। तो इसको अब हम रखेंगे ओवरनाइट के लिए, राइट। देखते रहिए, इसके लिए लास्ट में हम कुछ ट्रिक एंड ट्रिक्स देंगे। तो चलिए इसको रखते हैं ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में अच्छे से जमने के लिए। चलेगा, वो तो हमने फ्रीजर में रख दिया है जमने के लिए, तो मिलते हैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग एवरीवन, देखिए समय 11 बज चुका है, ठीक है, सुबह से थोड़ा सा ज्यादा है। और ये देखिए हमारा बनाना की आइसक्रीम, वाओ, बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत यम्मी बनी हुई है। दिखाते हैं पास से, ये देखिएगा इस पास से देख लीजिए, ये बनाना है, ठंड की वजह से थोड़ा सा काला पड़ गया है ये, बट कोई बात नहीं। बट देखिए कितनी प्यारी और कितनी यम्मी बनाना की आइसक्रीम बन के आई है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, बिल्कुल यम्मी और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए, देखिए गाइस कितनी यम्मी लग रही है, और बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं है, बहुत यम्मी बन के आई है। ये देखिए गाइस, तो करते हैं यम्मी और कितनी टेस्टी आइसक्रीम बन के आई है, और कितनी क्रीमी है कि आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी कितनी है, कितनी प्यारी है, ठीक है। तो ये रेसिपी हमारी, देखिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।